ओके जी, टुडे वी आर टू स्टार्ट विद आर डिफ्थांग जो हमारे हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। वन ऑफ थॉन्ग्स जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफ्थांग इज एन इंडिपेंडेंट वॉल ग्लाइड, कि जब आप एक वॉल से दूसरे वॉल पर ग्लाइड करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल डिफ्थांग। It has to occupy, you can say, one syllable. और इसमें जो हमारे पास जो है वो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन आई द ग्लाइड इज अप फ्रॉम अ फ्रंट अनराउंडेड वॉल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन टू अ फ्रंट अनराउंडेड वॉल जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजिशन। यानी कि क्या है, अ फ्रंट अनराउंडेड वॉल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, कि द ग्लाइड करना है फ्रंट अनराउंडेड वॉल हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन पोजिशन टू अ फ्रंट अनराउंडेड वॉल जस्ट बिफोर द हाफ क्लोज पोजिशन। कि दूसरा जो है वो हाफ क्लोज पोजिशन है, पहला जो है वो हाफ ओपन और हाफ क्लोज पोजिशन पर है और ये ग्लाइड है। इसकी स्पेलिंग जो है वो मतलब हम लोग देख सकते हैं के जैसे डेई पेई डेई ब्रेक इट अकर्स इनिशियली मिडली एंड फाइनली एज इन एज पेन। इनके ये जब हम लोग देखें, अब अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये वॉल हमें किस तरह से नजर आएगा। लेट्स हैव एन एग्जांपल। We can have the example. Day. It's day. Day. A. Day. तो ये अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारा पहला डिफथोंग होगा, the first ever diphthong. और ये जो डिफथोंग है दैट इज व्हाट वी कॉल, कि ये हमें नजर आता है एंड वी कैन फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग इसको मजीद फर्दर देख सकते हैं। In the words like break, it's break, break, तो break इसमें भी हम लोग observe कर सकते हैं। It's not very easy to quote over here. एक और एग्जाम्पल है हमारे पास। एज 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 तो ए ये साउंड फिर से हमारे पास मौजूद है एंड वी कैन इवन कोट हियर। The best of the best examples.
pronounce this sound? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो जो साउंड हमने प्रोनाउंस करनी है वी कैन ऑब्जर्व दिस इन द वर्ड्स लाइक माइन इट्स आई इट्स माइन आई तो ये वॉल हमारे लिए नेक्स्ट वॉल की पोजीशन के तौर पर मौजूद होगा इसी तरह से एक और है हम एग्जाम्पल देख सकते हैं Fine. आई और इसी तर्ज के साथ हम लोग फर्दर ऑब्जर्व कर सकते हैं Cry. Sky. तो आई So you can quote your hair. अगर हम लोग इसकी description की तरफ आगे बढ़ें, so we can have the description during the articulation of I. The glide is from a front open unrounded wall to a front unrounded wall just above the half closed position. The spelling is presented by my I, by I, high I, either I, phir by I. So, it occurs as regards its distribution initially, medially, and finally. In a word, eyes, I, phir isi tarah se find I, cry I. So, tino position ke upar jo hai wo ye hame nazar aata hai. तो इस तरह से ये दो डिफ्थोंग्स जैसा कि मतलब जो है वो जैसे ए और उसके बाद आई यानी कि क्राई के अंदर ये हमें नजर आएगा. नेक्स्ट अगर हम लोग वॉल की तरफ आगे बढ़ें
तो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इन द वर्ड्स लाइक You usually call it boy. It's not boy. It's boy. It's boy. Boy. So, ye sound jo hai, it's boy. Boy. So, ye sound jo hai, it's boy. ये बॉय ये हमें नजर आएगा फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अनदर वर्ड्स लाइक हमारे पास एक और एग्जांपल जो हमारे पास मौजूद हो सकती है दिस कैन बी इन इट्स ऑयल ऑयल Oil. Oil. It's oil. Oil. तो ये sound जो है वो next हमारे पास मौजूद है Easy to get it. इसी तरह से वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ द वर्ड्स लाइक Joy. It's joy. This is what we call sort of quite easy to get the idea. तो ये हमारा third जो है वो diphthong है. Here goes the description. During the articulation of oi, the glide is from a back rounded wall between open and half open to a front unrounded wall. Just above the half closed position. The spelling is represented by oi, boil, boy. This diphthong can occur initially, medially, finally in oil, boil, and boy. Next, jo hamare paas hai, wall, it's out. Cow. It's cow.
And it's quite easy to pronounce this wall. Example is very vibrant. And the sound already pronounced. Another example of the wall. एक और example हम लोग यहाँ पे इसकी observe कर सकते हैं in the words like You usually call it go. It's absolutely wrong. Go. It's go. Or hum jab isko have this one. Sorry. It's house. Mother chahta hu. Hum log isko dekh sakte hain. In the words. House. It's house. 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 फिर इसी तर्ज के साथ इसको हम फर्दर हम लोग देख सकते हैं इन द वर्ड लाइक इट्स स्काउट तो आउट साउंड जो है वो यहां पर भी हमें प्रोनाउंस होती हुई दिखाई दे रही है तो ये साउंड जो है वो यहाँ पर मतलब जो है वो फोर जो है वो डिप्थोंग्स हैं अगर हम लोग इस साउंड की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इस साउंड की जो डिस्क्रिप्शन है ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ आव द ग्लाइड इज फ्रॉम अ बैक ओपन अनराउंडेड वॉल टू अ बैक राउंडेड वॉल जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजिशन इट अकर्स इनिशियली आउट मिडली स्काउट एंड फाइनली काव Its spelling is represented by house and how. इनके अंदर हम लोग जो है वो इसको observe कर सकते हैं इसी तर्ज के साथ जो next wall है हमारे लिए coat coat out तो ये coat Out. Coat. Out. Coat. तो ये smaller one लेकिन diphthong
फिर इसी तरह के साथ हम लोग इसको फर्दर एंगेज कर सकते हैं इन द वर्ड लाइक इट्स आव आव, तो फिर साउंड जो है वो आव है, तो आव जो है वो साउंड हमारे पास फिर से यहां पे नजर आ रही है इन द वर्ड लाइक फिर इसी तर्ज के साथ हम लोग इसको देख सकते हैं इन द वर्ड लाइक पोस्ट इस पोस्ट पोस्ट, तो ये वो साउंड्स हैं जो हमें इस डिप्थोंग के साथ जो है वो नजर आती हैं। अगर इस साउंड की डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ आउट द ग्लाइड इज फ्रॉम सेंटर्ड राउंडेड वॉल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन टू अ बैक राउंडेड वॉल जस्ट अबव द हाफ क्लोज पोजिशन एज टू डिस्ट्रीब्यूशन दिस डिप्थोंग कैन अकर इन ऑल थ्री पोजिशन इनिशियली और कॉल आउट फाइनल गोल। So its spelling is represented by in bone, below, bows, shoulder, and respectively जो है वो हमें जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे। पांच फर्दर जो है वो मैंने आपसे डिफ्थोंग जो है वो शेयर कर दिए हैं, और ये जो पांच डिफ्थोंग्स हैं ये अब टोटल जो वॉल इंग्लिश के अंदर हमने अभी तक डिस्कस कर ली है। राइट नाउ वी हैव 17 जो है वो ये हमारे हो चुके हैं, 12 और 5 ये 17। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है वो फर्दर वॉल्स के ऊपर मैं बात करूँ।